हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको सुबह दिखाया था इससे पहले वाले ब्लॉग में कि हम साफ सफाई कर रहे थे और मेरे देवर और देवरानी आए थे, तो उन्हीं के बैठने की व्यवस्था बनाई जा रही है कुछ इस तरीके से। अपने चैनल का नाम बताओ बेटी, बता दो जल्दी। जैसे रात बताई थी आंटी जी को उधर पार्क वाली, बता क्या है? नीलम। नीलम के आगे क्या? सर मारिया है। नहीं बताओगी? थोड़ी देर बाद बताओगी? ठीक है। तो फ्रेंड्स, इन सबको नाश्ता पहले ही करा दिया था और फिर मैं नहा के आई थी। और नहा के आई तो मैंने देखा कि विक्रम ने ले लिया आईफोन, तो मैंने देखा भले ही दूसरे का हो लेकिन मेरे हाथों में आईफोन तो था ही, पता नहीं मुझे तो कब मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आईफोन को मैंने बहुत अच्छे से हाथों में लिया और अलट पलट के हर तरीके से देख लिया है। तो फ्रेंड्स, सुबह से काम में लग रहे थे और हम नहा लिए हैं और हम मेरी दौरानी आई है, विक्रम आए हैं और देवर आए हैं, रविंदर ये फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं मेरे ब्लॉग में। ये सब बात कर रहे हैं बहुत देर से और आज हमारे खाने को हो गई है बहुत देर। बस जल्दी से अब थोड़े से बाल वाल कंघी कर लें, उसके बाद मिलते हैं आपसे। टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, यानी कि 3:15 बज रहे हैं शायद, मुझे पता। और खाना हमारा बना नहीं है, सर जी ऊपर गए हैं और मुझे मिले जा रहे हैं जबरदस्ती, पर पहले हम बनाएंगे खाना। और खाने में कुछ स्पेशल नहीं बनेगा, बस दाल चावल। जल्दी जल्दी खाना बना लें फिर चल रहे हैं हम ऊपर। अभी सर जी मुझे बुला के गए, करें जल्दी आ जाओ। क्यों जोर बोल रहे हो अभी? बस बिल्कुल अभी देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, खाने में पता नहीं कैसी लगी। सर जी बताएंगे खा के कैसी लगी है। और क्योंकि जो अरहर की दाल होती है उसके साथ हल्की सी खटाई यूज होना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उसके जो पाचन के लिए खट्टा जरूरी है। वैसे तो मैंने इसमें टमाटर डाले हैं लेकिन फिर भी इसमें आम की खटाई डाली जाती है, जो आम की खटाई तो मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैं इसमें से थोड़ा सा नींबू डाल दूँगी। इसमें बनने हमारे चावल 2 मिनट में तैयार। और बस अब सर जी को बुलाते हैं हम खाना खाने के लिए। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ इधर, क्योंकि ऊपर चाहे हम यहाँ से कितना ही भी शोर मचा लें ऊपर आवाज़ नहीं जाती थी बिल्कुल भी, गेट बंद हो जाता फिर उसके बाद आवाज़ नहीं आती, कोई नीचे कितना भी चिल्ला करो। तो यहाँ पे लगवा दिया ये बैल। अब सर जी आएंगे दौड़े हुए। एक बार और आवाज आई, चिल्लाने से यार गला, हम इतनी बार चिल्लाते किसी को आवाज नहीं जाती थी। चलो खाना खा लो सर जी। ये है परिका और काव्या का खाना, एक ग्लास तीन तो ज्यादा ना रखिए मेरे पास। तो फ्रेंड्स, काव्या खा रही है केक और ये केक परी ने बनाया। परी कितनी छोटी है और ये खाने में भी इतना ही स्वादिष्ट है, क्योंकि मैंने खा के देखा था अभी, बहुत ही अच्छा। शाम के बज गए हैं 4 तो मैडम जी बना रही हैं चाय, क्योंकि चाय हालांकि बनती नहीं है हमारे, पर इनके पर जो हमारे देवर जी आए हैं ना, इनके प्यारे देवर जी आए हैं और इनको चाय पीने की डेली लत है इन्हें, तो इनके पूरे घर में चाय का नशा है। एक शाम और एक सोने से पहले ये काव्या और परी आई है ऊपर से, और ये काव्या लाई है पूरा झोला भर के खिलौने। अब एक काम करो तुम, कमरे में पंखा चला लो, वहाँ बैठ कर खेल लो, बैठ पर जाओ दोनों। परी ने बहुत अच्छा केक बनाया, परी बहुत समझदार है।
जी थक गए, पहला दिन है, कोई बात ना, आदत पड़ जाएगी। आज सुबह से सिर्फ मेरे फोन में ब्लॉग शूट हो रहा है, बाकी मैंने ना इंस्टा देखा, इंस्टा पर मेरे दो अकाउंट तक कोई भी खोल के नहीं देखा, मौज चला के मौज नहीं देखा, फिर कुछ चला के फिर कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ ब्लॉग शूट हो रहा है, वो भी कोई मिल जाता शूट करने के लिए तो हो तो हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, अब बाहर खड़े अंदर कर ली बाहर, अब मम्मी हो गई हमारी तैयार बुआ के घर जाने के लिए। सही पहनो, कहाँ जा रहे सर जी? अच्छा ठीक है, बाय, फिर मिलेंगे जल्दी। तो मेरी काव्या सर जी के साथ गई थी आइसक्रीम लेकर, आई मेरे लिए नहीं लाई हो? अरे मेरा बच्चा बहुत अच्छे, थोड़ी सी और दे दो काव्या। थैंक यू, बेटा फ्रेंड्स को ये बहुत ठंडी है, फ्रेंड्स को बता दो, फ्रेंड्स मैं खा लेती हूं तो बहुत ठंडी लगती है उनको। आप आइसक्रीम दिलवा के लाए काव्या को, मेरे लिए क्यों ना लाए? काव्या की अम्मा ने दिए पैसे, इतनी तेज धूप लग रही है, इतनी तेज धूप लग रही है बाहर, अब रात मिली है घर आकर के। हालांकि मैं हेलमेट पहन कर गया था, लेकिन अब गर्मी ने अपना पूरा पूरा रूप दिखा रखा, चरम पर है इस टाइम, और अभी बढ़ेगी गर्मी। और सर जी बता रहे हैं, सर जी ले आए स्वीट कॉर्न, अभी तो सुबह वाले भुट्टो का कुछ भी नहीं हुआ है, और स्वीट कॉर्न और ले आए। हाँ जी, स्वीट कॉर्न मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि सुबह गए थे मंडी, लेकिन वहाँ पर हम पहुँचे थे थोड़े से लेट, तो हमसे पहले ही वहाँ माल लुट गया था सब। अब मुझे ये वो सब्जी भुट्टे तो थे वहाँ पे, हम लाए तो हैं, स्वीट कॉर्न नहीं थे। तो फ्रेंड्स इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं आपको दिखा पाती कि हम क्या क्या लेके आए हैं, क्योंकि आए आते ही सर जी ने काम सफाई में लगा दिया, 2 बजे तक तो सफाई, 1:30 बजे तक सफाई करी है, और फिर विक्रम आ गए, फिर उसके बाद नहीं पहले रविंदर आए, फिर विक्रम आ गए, और मम्मी अब गई हैं, सब अब गए हैं, तो बस इसी उसमें लग रहे हैं, और अभी एक मेहमान आने वाले। तो फ्रेंड्स मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इस बार हम कहीं भी घूमने जाएंगे, मैंने अपने मन को बहुत अच्छे से समझा रखा था कि मुझे सिर्फ हापुड़ और अपनी मम्मी के पास घूमना है, तो अब सर जी के ऊपर डिपेंड करता, सर जी कहाँ कहाँ जिंदाबाद, क्या हो तो मनाली चलो, क्या हो तो शिमला चलो, और क्या हो तो और कहीं चलो, सर जी जिंदाबाद। अब तो सर जी हमारे जिंदाबाद, बल्कि अभी पीछे ना सर जी ने कहा था घूम लेना तुम, अब कहाँ घूमोगी, तुम ऐसे काम ही कर दियो। सर जी आइसक्रीम खवाओ, आइसक्रीम खिला रहा हूँ भाई, इतनी गर्मी हो रही है सर जी, कितने गंदे बस एक कुल्फी लेके आए मैंने, कहा थोड़ी सी खा ली है सर जी, यही वाली कुल्फी, हाँ तो यही अच्छी है यार, बहुत अच्छा स्वाद है, मैंने खा के देखी काव्या से लेके आया। तो भैया जी ले आए हमारे लिए आइसक्रीम कुल्फी, कुल्फी वाला, कुल्फी वाला, थैंक यू सर जी, जबरदस्ती है, वैसे इनका मन मन नहीं था मुझे कुल्फी खिलाने का, तो फिर जब मन था तो फिर लेके क्यों नहीं आए थे सर जी, एक ही क्यों लाए थे? आइसक्रीम के लिए नहीं मना किया हुआ मुझे, दही के लिए मना किया है, मट्ठा के लिए मना किया है, आइसक्रीम के लिए मना किया। तो मैंने लगाई खिलौने की दुकान, आज संडे है, अलग छुट्टियाँ पड़ गई है, तो मैंने सोचा कुछ नया बिजनेस कर लिया जाए, लो खिलौने इसको चाहिए ले जाओ, बहुत हाफ रेट में दे दूंगा, हाफ रेट पे। क्या कह रही बेटा? कुल्फी खिलाई थी ना? आपने मुझे अपने में से कुल्फी खिलाई थी? खिलाई थी ना? हाँ बेटा। गाँव बसा नहीं है, लुटेरे पहले आ गए फ्रेंड्स। पार्टी चल रही थी अभी। पार्टी चल रही थी? हमारी पार्टी चल रही थी 10 रुपए की कुल्फी से, ये 10 रुपए की है, लेकिन उसका स्वाद इतना अच्छा है ना, बेहतरीन है। भाई साहब ने कुल्फी तो खाई ना है, और यहाँ गर्मा गर्म भुट्टे भुनना गैस पे। क्या खाओगी? कुत्ते के जूठा नहीं खाऊंगी, मैं जूठा खाऊंगी। इसका जूठा नहीं खाओगी? क्या मम्मी का मैं पूरा खिलाऊंगी का, मैं तो नहीं बताऊंगी का। तो
फ्रेंड्स पूरे एक घंटा आराम कर लिया, मतलब आधा घंटा फोन चलाया, आधा घंटा आराम करा, और अब जीजा जी आ गए हैं तो बाहर से जी आवाज लगा रहे हैं, चलते हैं बाहर। खोल तो दो बाहर से, बंद कर रखे हम। यही नमस्ते, बाहर से बंद कर रखी हूँ मैं इन्होंने, देख लो। हमारे जी आई बहुत दिन बाद। यही कितने दिन बाद अकेले आए हो? यहाँ आए बारात लेके अकेले यार आ जाए। बहुत दिन बाद अकेले आए दीदी के बिना, वरना तो दीदी के साथ ही आते हैं। शाम का समय हो गया है, लगभग बज रहे हैं अब 7, और मैडम जी काट रही हैं तरबूज तरबूज, और काट दिया इन्होंने बीच से पहले, तो जीजा जी मना कर रहे हैं, कह रहे ना लंबी लंबी फाक बनाओ इनकी, बेकार कर दिया। नहीं बेकार नहीं करा, कटेगा तो ऐसे ही नहीं। अच्छा और क्या है भाई, तो फ्रेंड्स सुबह से लगे लगे चेहरे की हवाइयां पड़ी है। आज छुट्टियों का पहला संडे था, कल ही छुट्टियां पड़ी हैं, और अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे लोग आए आज मिलने। सबसे पहले आए रविंदर, उसके बाद आए निशा और विक्रम, और फिर उसके बाद जीजा जी, मौसी के लड़के। देखो हम कहाँ जाते हैं ये तो टाइम ही बताएगा। और सर जी ने प्लान बनाया है कि घर पे खाना मत बनाओ, मैं और जीजा जी जाएंगे बाहर खाने के लिए। तो जिया और सर जी जा रहे हैं पार्टी पार्टी करने। हम खाएंगे दाल रोटी जो मैं बनाने जा रही हूँ, है सर जी। तो फ्रेंड्स हमने तो सबने खाना बना के खा लिया है, काव्या ने, राजा ने, मैंने, हनी ने, और ये दावत बैठी है अभी वेट कर रहे हैं जीजा जी का, क्योंकि जिया है मौसी के घर भूखे बैठे बेचारे। तो फ्रेंड्स 9:30 बज गया, खाना हमने खा लिया था, मैंने अपना सारा काम फिनिश कर दिया, साफ सफाई ये वो सब फिनिश कर दिया, और सर जी और जीजा जी गए हैं दोनों बाहर खाना खाने। काव्या बाहर टीवी देख रही है, तो मुझे थोड़ा सा मौका मिला क्योंकि पूरे दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और तो आप भी सोच रहे होंगे कि मैं रात में तैयार सैयार कैसे हो गई हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत थकी हुई थी। चेहरे पे बज रहे थे 12, और थोड़ी सी क्लीनिंग करके और बस ऐसे तैयार सी हुई हूँ, तो 2-4 इंस्टाग्राम की वीडियो बनाऊंगी और बस उसके बाद फिर आराम करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।